वेलकम टू स्टडी पॉइंट। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं। आपके पास क्या है? ये हमारे पास है एक्सरसाइज 12.3, ठीक है सर। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, टोटली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। यूज करना है 22x22x7। इफ पी क्यू इज 24, पी आर इज 7। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास है सर सर्कल, ठीक है सर। ये सर्कल सेंटर गिवन है सर, ओ सेंटर की यहां इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको सेंटर से लाइन पास होगी तो ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्यू आर हो गया डायमीटर, क्लियर। फिर आपसे बिल्कुल इधर ध्यान से देखिए, बिल्कुल मिलता हुआ एक लाइन ड्रॉ है, कहीं भी स्पेस नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया पी, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया किसको, पी क्यू को। और आपसे कह रहा है सर कि ये फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट, शेडेड पार्ट, ये आपसे निकाल, क्लियर है। तो ये फिगर है, अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है सर, पी क्यू गिवन है। पी क्यू क्या है सर, वो 24 है, ठीक है सर, 24 सेंटीमीटर। तो पी क्यू ये वाली साइड है, अभी डायमीटर या रेडियस नहीं मिला। और फिर आपसे क्या कह रहा है, पी आर, पी आर है सर 7, ये हमारे पास है, ठीक है सर। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये है हमारे पास पी आर, हमें ये पी क्यू मिला हुआ है, ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, ठीक है। अभी तक हमें सर्कल का रेडियस नहीं मिला है। अब यहां पे इंपॉर्टेंस आती है कि क्या आपको इंफॉर्मेशन है या नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है कि ये डायमीटर है। नाइन्थ में अगर आपने पढ़ा हो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो यहां ये प्रॉपर्टी यूज होगी, क्यों भाई, डायमीटर हो गया ना। डायमीटर को कहीं भी आप ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेमी सर्किल हो जाएगा, और सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 है, तो यहां आपको लिखना है एंगल पी इज 90। अगर पी 90 हो गया तो पाइथागोरस हो गया, अगर पाइथागोरस हो गया तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 49, 576, 625 अंडर रूट। सर समझ में आ गया? Yes, तो अब आपके पास आ गया डायमीटर 25, रेडियस, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, क्या नहीं करना है सर, आपको सिर्फ सेमी सर्किल लेना है, क्या लेना है, सेमी सर्किल, और उस सेमी सर्किल में से ये ट्रायंगल माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मुबारक हो जी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है भाई, 1/2। रेडियस कितना निकाला था जी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ भाई, अभी तो आपने कहा कि 90 है, क्या है, 90 है। तो ये बेस और ये हाइट, ठीक है जी। तो 1/2 × 7 20, चलो जी 24 है तो 24 लिख दो। सॉल्व करो जी, क्या कर सकते हैं, 2 से, ठीक है जी, और बस कुछ नहीं, और 2 से तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 625/4 − 84, ठीक है सर, 84 आ जाएगा। अच्छा 7 भी है, ठीक है भाई, ये बस ये होगा ना, 11 × 625 7 × 4, और ये कितना हो गया 84, जो भी आप कैलकुलेट करके बताएं, ये आंसर, ठीक है सर। तो एक एक छोटी छोटी चीज इस्तेमाल होगी, जैसे यहाँ पे डायमीटर हुआ, एंगल इन सेमी सर्किल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चीज नोट करो जी जल्दी से, शाबाश। आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, वन लाइनर क्वेश्चन, प्लीज इधर देखो। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.20। मैं पहले फिगर ही ड्रॉ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखो भाई, मैं पहले फिगर ही ड्रॉ कर रहा हूं, उसी के से क्वेश्चन कर देते हैं। ये आपके पास है सर्कल,
ठीक है सर। और आपसे कह रहा है एक और सर्कल है, ठीक है जी। फिर आपसे कह रहा है कि ये हमारे पास जो है कॉन्सेंट्रिक है, ये दोनों दोनों का सेंटर सेम है, और आपसे कह रहा है ये वाला पार्ट निकालो जी, ठीक है सर। आप जरा इधर देख लीजिए सर ध्यान से, हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओ आर 7 एंड 14। हमारे पास जो आउटर रेडियस है वो हम ले लेते हैं 14, और जो स्मॉल रेडियस है वो ले लेते हैं 7, ठीक है। ये आपके पास है, ये देखो इधर, ये रेडियस बड़ा वाला 14, और ये आपके पास है स्मॉल रेडियस ये, ठीक है सर, आर 7, ठीक है। और आपसे कह रहा है थीटा जो है वो हमारे पास दिया हुआ 40 डिग्री, कितना दिया हुआ सर 40 डिग्री, ये हमारे पास 40, तो थीटा हमारे पास दिया हुआ 40। आपसे कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब ध्यान से देखोगे तो दोनों सेक्टर हैं, दोनों क्या है सर, दोनों के दोनों सेक्टर हैं, ये बड़ा वाला सेक्टर है और ये छोटा वाला सेक्टर है, तो आउटर सेक्टर में से इनर सेक्टर को क्या कर दो, तो एरिया वन लाइन लिख देते हैं बस, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है भाई, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर या एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, ठीक है सर, लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ठीक है भाई। लार्जर सेक्टर क्या हो जाएगा सर, पाई हमारे पास हो जाएगा आर 14 का स्क्वायर, थीटा कितना हो जाएगा सर 40 अपॉन 360, एंड पाई स्मॉल हो जाएगा सर 7, और सर 40 अपॉन 360, ठीक है सर। अब अगर आप चेक करोगे सर, ये तो 9 हो गया, तो पाई बाई 9 कॉमन आ जाएगा, क्या ना आ जाएगा, पाई होता है 22/7, ठीक है सर, 1/9 कॉमन, ठीक है। अब जरा जब देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या हो गया भाई 22/7, 1/9, 14/7, 21, 14 माइनस 7, 7, ये सर नो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 से, ठीक है सर, 3 से, तो 22 × 7, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। एक और देखो, फिर आप नोट करेंगे, दो तीन क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं आपकी कॉपी में चेक करूंगा किसको कितना समझ में आ रहा है, तब मजा आएगा। आपसे क्या, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आपसे कह रहा है इसको देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 3, इधर देखो सर, इधर ये स्क्वायर गिवन है, क्या गिवन है स्क्वायर, ये बेसिकली वही है जो अभी हमने एग्जांपल किया था ना, कि दो सेमी सर्किल माइनस करके ऊपर नीचे का यही आ रहा है, और अजय क्या बात है, वाह वाह भाई, वहां चार थे यहाँ दो, आनिश कह रहे हैं, आनिश के अब्बू बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं दिल कर रहा हूं उन्हें फोन करके बुला लूं, मैंने देखो कितनी मेहनत से पढ़ा है, ठीक है भाई। आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन में क्या है, एबीसीडी से स्क्वायर ऑफ साइड 14, ये 14 दिया हुआ, ठीक है सर। अगर ये 14 है तो प्लीज जरा देखो ध्यान से, ये रेडियस रह जाएगा सर, ठीक है, अगर आप ऐसे भी मेंशन कर दें तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं रहे, तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर टू, वेरी गुड, एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ क्या होगा, टू सेमी सर्कल्स, टू 1/2 पाई, आर कितना बिटे, 2 से 196, कितना बचा, बहुत मुश्किल। अब आपके पास है 3 तक हो गया, 4, 5, 16 क्वेश्चन आपको करने,
ट्राई खुद से, हो या ना उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट आप ट्राई करो जल्दी से सब बच्चे।